सिलवासा के दमनगंगा नदी में स्वामी नारायण मंदिर के पीछे ऑटो रिक्शा धोने गए शख्स की नदी में डूबने से मौत की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार संजू पाल नामक व्यक्ति अपना रिक्शा लेकर दमनगंगा नदी में स्वामी नारायण मंदिर के पीछे पहुंचा था, जहां पर अपने बच्चे के साथ वह गाड़ी धो रहा था। गाड़ी धोने के बाद अचानक वह शख्स पानी में डूब गया, जिसके बाद उस शख्स का अता पता नहीं चला है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही दानहा पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, 108 एम्बुलेंस मौके पर तैनात खड़ी है। वहीं फायर विभाग के जवानों द्वारा डूबे गए शख्स को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना आज सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जब वह शख्स रिक्शा धोते धोते पानी में डूब गया और बाहर नहीं आ पाया। प्रत्यक्षदर्शियों का इस मामले में क्या कहना है और इस जगह पर क्या घटना घटी है, यह पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपके आसपास के इस तरह की घटनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यन सिंह है, मैं यहाँ पे गाड़ी धोने आया था। उनकी गाड़ी धो के वो बाहर रखा था, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं अपना गाड़ी धो रहा था। और वो वहाँ पे मतलब उनके बच्चा भी था साथ में और उनके पापा दो लोग गए थे अंदर नहाने के लिए, तो मतलब अचानक से डूबने लगे और बच्चा मतलब रोने लगा, तो उसकी आवाज़ मेरे को आई, तो मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की, तो बच्चे को तो मैंने बाहर खींचने गया। जब तक बच्चे को बाहर मैंने खींच के किया, तब तक पापा बहुत आगे उसके निकल चुके थे। मैंने बचाने की कोशिश की, मतलब मैंने मतलब जंप किया, लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मतलब उनको नहीं बचा पाया नहीं। बाद में फिर मैं उनके संगवासा पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ पर सब बताई, जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर उनके घर पर मैं गया, घर पर भी जानकारी दी और घर वाले को यहाँ पर मैं गया। आप उनको जानते हैं जो डूबे, उनका नाम पता कुछ? हाँ, नाम उनका संजू, संजू नाम है, संजू पाल नाम है उनका। कहाँ रहते थे वो? पीपरिया में।